प्रसन्न हो ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो प्रसन्न ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न ओम ऐं ह्रीं शक्ति माता प्रसन्न हो। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे महाशक्ति, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे महाशक्ति, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें माँ। प्रभु, क्या पर्वतराज हिमालय और महारानी नैना की शक्ति आराधना सफल होगी? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझसे अधिक आप ही जानती हैं देवी लक्ष्मी, क्योंकि शक्ति के त्रिगुणी स्वरूप में आप भी तो समाई हैं। ये सत्य है कमलनयन कि आपकी अनुकंपा और श्री महागणेश की कृपा से मेरे लिए संसार का कोई भी रहस्य रहस्य नहीं है, किंतु किंतु क्या देवी लक्ष्मी, निसंकोच अपनी बात कहें। संसार के किसी भी रहस्य का उद्घाटन आपके श्रीमुख से सुनने का लोभ मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? बताएं स्वामी, क्या माता शक्ति हिमालय मैना की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में नवीन मानवी अवतार धारण करेंगी? भविष्य के इस कठिन प्रश्न का उत्तर तो परमदेव श्री महागणेश और महादेव शिव की इच्छा पर ही निर्भर है। नारायण नारायण। भक्तवत्सल श्री हरि विष्णु को प्रणाम, माता लक्ष्मी को प्रणाम। क्या समाचार लेकर आए हो नारद? पुत्र तो अपनी माता के प्रश्न को ही आगे बढ़ाएगा श्री हरि। अर्थात? अर्थात ये प्रभु कि महाराज हिमालय एवं महारानी मैना ने तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही शक्ति माता की आराधना आरंभ की है, इसका परिणाम क्या होगा श्री हरि? परम देव श्री महागणेश की आज्ञा से जिस कार्य का श्री गणेश हुआ हो उसका परिणाम शुभ ही होगा। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है स्वामी कि इस समय आप इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर देने के इच्छुक नहीं हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। इस शक्ति आराधना का परिणाम शुभ ही नहीं शुभा शुभ होगा। नारायण नारायण। किस प्रकार प्रभु? नारद, माता शक्ति के नारी अवतार का संबंध दैत्य वंश के विनाश तथा परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार से जुड़ा है। नमः।
देवादिदेवाय नमः। ॐ महागणेशाय नमः। ॐ महादेवाय नमः। ॐ परम देवाय नमः। ॐ महादेवाय नमः। साहस करने वाले मूर सैनिकों, क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं? क्षमा करें राजकुमारी, हम विवश हैं। पृथ्वी महारानी किसी से भी मिलने की इच्छुक नहीं है। अपने माता पिता से नहीं मिल सकती, ये कैसी व्यवस्था है? क्षमा राजकुमारी, सम्राट ने स्वयं को महल में बंदी बना लिया है। वे अजामुख होकर महारानी तक से मिलने के इच्छुक नहीं है। और माताश्री, पृथ्वी महारानी विचलित हैं। कारण? पृथ्वी सम्राट ने आत्महत्या की घोषणा की है। नहीं, मुझे माताश्री से मिलना ही होगा। आप हट ना करिए राजकुमारी। यदि आज मैंने हट नहीं किया तो भविष्य का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। मुझे जाना ही होगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। महादेवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय। बंद करो ये पूजा आराधना, इसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बंद करो इसे। मैंने जो कुछ भी सुना है क्या वो सत्य है? हाँ पुत्री, तुम्हारे पिता इस अभिशापित जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या के इच्छुक हैं। आत्महत्या कर लेने से क्या वे उस अपमान का प्रतिशोध ले सकेंगे जो महायज्ञ के समय शिव के संकेत पर उस दुष्ट वीरभद्र ने उनका किया था? क्या आत्महत्या से दक्ष वंश के मस्तक पर लगा कलंक मिट जाएगा? शांत हो जाओ दीदी, अब इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी अभी आवश्यकता है माताश्री। यदि आज भी उन प्रश्नों के उत्तर न मिले तो भविष्य दक्ष प्रजापति को भीरू व कायर कहने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अहंकार की दृष्टि से भविष्य के पन्ने नहीं पढ़े जा सकते दीदी। भविष्य के पन्ने पढ़े नहीं, पढ़ाए जाते हैं। उनकी भाषा लिखी नहीं, लिखाई जाती है। पृथ्वी के सम्राट दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दिति भविष्य को अपने शक्ति के बल पर अपने पक्ष में करना भली भांति जानती है माताश्री। जानती होती तो यहाँ आने का कष्ट न करती। सावधान माताश्री, प्रतिशोध और ईर्ष्या की जो ज्वाला मेरे हृदय में धधक रही है उसका विध्वंस कहीं आपसे ही प्रारंभ न हो जाए। ईर्ष्या की जो ज्वाला जन्म से ही तुम्हारे पिता के हृदय में जल रही है, उसका कुपरिणाम देखने के पश्चात भी तुम प्रतिशोध की बात कहकर अपने पिता के सर्वनाश की भूमिका रच रही हो। सर्वनाश नहीं माता, सर्वनाश नहीं, सर्व विध्वंस, मृत्यु का महातांडव, प्रतिशोध की ज्वालामुखी का भयानक विस्फोट, सृष्टि का अंत, रक्त का हाहाकार कर बहता हुआ महासागर। इसके दक्ष पुत्री दीति के हृदय में धधकती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो ही नहीं सकती। भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ, यहाँ तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। किस भगवान के नाम पर यहाँ से चली जाऊं? शिव के नाम पर, जिसकी बिछाई हुई बिसात पर मेरे पिता के घोर अपमान का खेल खेला गया, अथवा उस महागणेश के नाम पर जो सर्वशक्तिमान होकर भी शिव के तांडव लीला को
मूक दर्शक बना देखता रहा। किस भगवान के नाम पर चली जाऊं? हाँ, अब तुम्हारी यह तारीख भी आवश्यकता नहीं है। तुम जिस पिता के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलाने आई हो, अरे निर्बुद्धि, तारीख उनके स्वास्थ्य की तो चिंता कर। चिंता? अब दीदी की चिंता पर संसार की चिता जलेगी। जब तक ये संसार भस्म नहीं हो जाता, तब तक दीदी के धड़कते हृदय को शांति नहीं मिल सकती, कदापि नहीं। तुम जिस पिता के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलाने आई हो, अरे निर्बुद्धि, तारीख उनके स्वास्थ्य की तो चिंता कर। चिंता? अब दीदी की चिंता पर संसार की चिता जलेगी। जब तक ये संसार भस्म नहीं हो जाता, तब तक दीदी के धड़कते हृदय को शांति नहीं मिल सकती, कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें अपनी पुत्री कहने में संकोच करूंगी। तुम्हारी जैसी भीरु स्त्री, पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री, दीदी की माँ कहलाने के योग्य ही नहीं है। स्पष्ट सुन ले माता, मुझे तुम्हारा संबंध नहीं, अपने पिता का स्वाभिमान प्रिय है। तो ये पृथ्वी महारानी का आदेश है, इसी समय इस राज उद्यान से चली जा। दीदी का जन्म तुम्हारी जैसी भीरु स्त्री का आदेश सुनने के लिए नहीं हुआ है। पृथ्वी महारानी, अपितु इस संसार को अपने चरणों में झुकाने के लिए हुआ है। तुम्हारे पिता ने भी इस संसार को अपने चरणों में झुकाने की भयानक भूल की थी, उसका परिणाम देखा? उसका कारण है मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण इस दुर्दशा की उत्तरदायी शक्तियों ने ऐसा दुस्साहस किया। किंतु मैं अपने पिता की पुत्री नहीं, पुत्र का कर्तव्य निभाऊंगी। दुष्ट देवताओं को कदापि क्षमा नहीं करूंगी। नहीं दीदी, तुम्हें मेरी सौगन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सौगन? जब मैं आपके साथ संबंध रखने की इच्छुक ही नहीं हूँ, तब आपके सौगंध का क्या मूल्य? मर्यादा लांघने का दुस्साहस ना कर दीती, तू अपने पिता के हित में कार्य नहीं कर रही है। मेरे पिता के अहित की भूमिका रचने वाली मुझे हित की दुहाई दे रही है? दीदी, उत्तेजित रहो पृथ्वी महारानी। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की दुर्दशा की उत्तरदायी महाशक्तियों के साथ आप भी हैं। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? यदि आपने मेरे पिता को शिव सती के विवाह का परामर्श न दिया होता, तो ऐसी स्थिति कदापि नहीं आती। तब तो ये स्थिति और भी अधिक भयानक होती। आपकी बातों से भी दुष्ट देवताओं के छल की गंध आ रही है। मैं पिताश्री से मिलने जा रही हूँ। यदि किसी ने भी मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया, तो परिणाम उसके हित में नहीं होगा। दीदी, रुक जाओ दीदी। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करे हे महादेव शिव शंकर, रक्षा करे। महादेव शिव शंकर, हे महादेव शिव शंकर, शक्ति स्वरूपा, शिवा के नारी स्वरूप में पुनर्जन्म लेने का शुभ अवसर आ गया है।
सदा प्रसन्न हो। ओम आय म्रीम क्लीम शक्ति माता 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 प्रसन्न हो। शक्ति माता प्रसन्न शक्ति माता प्रसन्न ओम शक्ति माता प्रसन्न ओम शक्ति माता प्रसन्न ओम शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम आय म्रीम क्लीम शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम आय म्रीम क्लीम शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम आय म्रीम क्लीम शक्ति माता प्रसन्न हो। शक्ति माता प्रसन्न हो। हे मां जगदम्बे, हे वरदायिनी मां, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें मां। हे शक्ति मां, हे मां जगदम्बे, हे वरदायिनी मां, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें मां। हे शक्ति मां, हे मां जगदम्बे, हे वरदायिनी मां, हे शक्ति मां, हे मां जगदम्बे, हे वरदायिनी मां, आप हम पर प्रसन्न हो, हम भक्तों पर कृपा करें मां। हे शक्ति मां, हे मां जगदम्बे, हे शक्ति मां, हे मां जगदम्बे, आप हम पर प्रसन्न हो। पर्वतराज हिमालय, महारानी मैना। प्रणाम माता। प्रणाम माते। प्रणाम। हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो। अपनी इच्छा को कहने में संकोच न करो। कैसे संकोच ना करे माता, कैसे संकोच ना करे। मातृशक्ति जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा को प्रकट करने में हम संकोच कैसे ना करें माँ। महाशक्तियों के मानवीय अवतारों के पीछे दुर्लभ मनुष्य शरीर पाने की अभिलाषा के साथ ही जन कल्याण और नव निर्माण की भावना निहित होती है, जिससे आने वाला भविष्य उनका अनुसरण करे और अपना जीवन धन्य कर सके। हे मातृशक्ति, क्या सत्य ही आपके मानवीय अवतार का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा? महारानी मैना तथा पर्वतराज हिमालय, आप दोनों के पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से मेरे माता पिता बनने का सौभाग्य आपको ही प्राप्त होगा। हमें अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं होता माँ। मेरी उपस्थिति हर संदेह, हर अविश्वास को समाप्त कर देती है। मैं शीघ्र ही आपकी पुत्री के रूप में मानवीय अवतार धारण करूंगी। आप दोनों का कल्याण हो। प्रणाम माता। प्रणाम माते। प्रणाम माता। बधाई हो महारानी, शत शत बधाई हो। आपको शीघ्र ही जगदम्बा शक्ति की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको भी बधाई हो पर्वतराज, आप
जगदम्बा शक्ति के पिता बनने का गौरव प्राप्त करेंगे। सच महारानी? हाँ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 पधारे, कश्यप आश्रम में आपका स्वागत है। कहे मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? संभवतः आपने हमें पहचाना नहीं, प्रजापति कश्यप ऋषि। आप सत्य ही कह रहे हैं। मैं प्रजापति वरांग हूँ और ये मेरी कन्या वरांगी। दक्ष प्रजापति के आदेशानुसार हम आपके आश्रम में उपस्थित हुए हैं। आप कृपा करके मेरी पुत्री को अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करें। तुमने दुष्ट इंद्र के साथ मित्रता करके मेरा तिरस्कार किया है। अब तुम मेरे पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं रहे। ऐसा ना कहे माता, इंद्र का व्यवहार ही मित्रतापूर्ण था। मत कहो मुझे माता। जो पुत्र अपनी माता की मनोकामना पूर्ण न कर सके उसे पुत्र बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। न तुम मेरे पुत्र और न मैं तुम्हारी माता। मत कहो मुझे माता। जो पुत्र अपनी माता की मनोकामना पूर्ण न कर सके उसे पुत्र बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरे पुत्र और न मैं तुम्हारी माता। ऐसा न कहे माता। मुझे माता संबोधित मत करो वज्रांग। तुमने छलिया देवताओं के षड्यंत्र में आकर मेरा अपमान किया है। मुझे क्षमा करें माता। क्षमा? मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ। किंतु क्या माता, आप आज्ञा करें। तुम मेरी आज्ञा पूर्ण करने के योग्य नहीं रहे वज्रांग। किंतु यदि तुम मेरा एक वचन पूर्ण करो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। कैसा वचन माता? तुम्हारा होने वाला पुत्र मेरे प्रतिशोध को पूर्ण करने का कार्य करेगा। मेरा पुत्र? हाँ, मेरे पूज्य पिता दक्ष प्रजापति के भविष्यवाणी के अनुसार मेरा पुत्र दैत्य शक्ति का अभ्युत्थान करेगा। किंतु तुम अपनी भीरुता लेकर उसके मार्ग में न आना। मैं वचन देता हूँ माता, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। पिताश्री के भविष्यवाणी के अनुसार अब तक तो तुम्हारे विवाह का संकेत मिल जाना चाहिए था। पधारे। देवी दीदी। प्रणाम पिताश्री। इन अपरिचितों के साथ
मेरे कक्ष में प्रवेश का कारण? देवी दीदी, यह परिचित अब तुम्हारे होने वाले निकट संबंधी है। निकट संबंधी? चकित न हो देवी दीदी, ये प्रजापति वरांग स्वयं तुम्हारी होने वाली पुत्र वधु वरांगी को लेकर यहाँ उपस्थित हुए। धन्य है पिताश्री, आप धन्य हैं। प्रजापति वरांग की पुत्री वरांगी, तुम मेरे पुत्र वज्रांग को पति रूप में तभी पा सकती हो जब तुम मुझे विध्वंसक शक्ति संपन्न एक दैत्य पौत्र प्रदान करने का वचन दो। आप निश्चिंत रहें देवी दीदी, मेरी पुत्री आपकी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण करेगी। मुझे वचन आपसे नहीं, आपकी पुत्री से चाहिए प्रजापति वरांग। मेरे पिताश्री ने जो कुछ भी कहा है माता, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तो फिर मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। आपको विवाह शीघ्र करना होगा। प्रजापति दक्ष की प्रेरणा के अनुसार इन दोनों का विवाह पूर्व निश्चित है, इसीलिए मैं अपनी पुत्री को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इसी क्षण कश्यप आश्रम में देख रही हूँ तेरा दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, किंतु स्मरण रख मेरा होने वाला पौत्र तेरे पुत्र इंद्र का सर्वनाश कर देगा। दीदी शांत हो, दीदी शांत हो। मैं शांत तभी हो सकती हूँ जब ये दुष्ट आदिति अपनी काली छाया यहाँ से लेकर चली जाए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ, इस दुष्ट आदिति के ही कारण मेरा पुत्र वज्रांग दैत्य होते हुए भी भेरु सिद्ध हुआ। अब मैं अपने पौत्र पर इसकी काली छाया पड़ने नहीं दूंगी। चली जा यहां से, अन्यथा मैं तेरा अपमान करने के लिए विवश हो जाऊंगी। चली जा। अदिति, ये तुमने अनुचित किया है। दीदी मुझे उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस न करें। अपनी विमाता अदिति की छाया और इस दुष्ट ऋषि के संस्कारों से दूर रहना। इस दुष्ट ऋषि के आशीर्वाद की तुम दोनों को तनिक भी आवश्यकता नहीं है। प्रणाम माताश्री। तुम दोनों पर मेरे आशीर्वाद की अभय छाया है। प्रजापति वरांग का आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दीति की हर आकांक्षा को पूर्ण करके ही तुम मेरे वचन की रक्षा कर सकती हो पुत्री। तुम दोनों का कल्याण। एक प्रश्न करूं स्वामी? एक नहीं, अनेक प्रश्न करो। तुम्हारे मुख से निकले शब्दों से मेरे मन में वीणा की झनकार होती है। कहो प्रिय, कहो। स्वामी, माता श्री ने आपको पेरू क्यों कहा? इस प्रश्न को पूछते समय भी
तुम्हारे श्रीमुख से निकले शब्द मेरे स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। मैंने विमाता अदिति के पुत्र देवराज इंद्र को अपना मित्र समझा। वरदानी शक्ति संपन्न होते हुए भी मैंने देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से पतित नहीं किया। इसी कारण माता श्री मुझसे रुष्ट हैं। अब तो मुझे माता श्री की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। पूर्णता का तुम वचन दे चुकी हो प्रिय। उस वचन के साथ अब आपका स्वाभिमान भी तो जुड़ गया है स्वामी। दिखाऊंगी। मैं आपकी माता श्री को ऐसा पुत्र प्रदान करूंगी जो त्रिलोकी में दैत्यों का नाम अमर कर देगा। हर दिशा में दैत्य जाति का बोलबाला होगा। श्री महागणेश की इच्छा संसार को वो मेरा पुत्र अपनी इच्छा से चलाएगा। करने के लिए वरांगी ने अपने पति को वचन तो दे दिया, परंतु क्या ये संभव होगा? इसका ज्ञान तो केवल परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर ही निर्भर करता है। श्री महागणेश की इच्छा अनुसार अब वो समय समीप आता जा रहा है जब माता शक्ति को अपना वचन निभाना है। माता शक्ति ने महाराज हिमालय और महारानी मैना को वचन दिया था कि वे नारी अवतार धारण कर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए श्री महागणेश प्रकट होते हैं। हे माता शक्ति, पर्वतराज हिमालय तथा महारानी मैना को दिए आपके वचन को पूर्ण करने का समय आ गया है। हे माता, आप अपनी अवतारी दिव्य प्राण ज्योति महारानी मैना को प्रदान करें। आपका नारी अवतार संसार के कल्याण का कारण बनेगा। विधानानुसार महारानी मैना तथा पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में नारी जन्म लेने का संकल्प व्यक्त करती हूँ। इसी में संसार का कल्याण है माता शक्ति। परमदेव, आप भी मेरे पूर्व जन्म में दिए हुए वचन के अनुसार मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों।